हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का जो टॉपिक है ये होगा डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? इकोनॉमिक से रिलेटेड शब्द है ये डंपिंग। इसके बारे में है, किसी वस्तु के अति उत्पादन की स्थिति में बाजार में वस्तु के मूल्य को एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए वस्तु के अतिरिक्त भंडार को कुछ देशों में बहुत कम मूल्य पर बेचा जाता है। बेचा जाना क्या कहता है? डंपिंग कहता है। यहाँ तक कि कई बार आदि से सरप्लस उत्पादन को नष्ट कर दिया जाता है। डंपिंग के द्वारा अतिरिक्त उत्पादन को बाजार से दूर करके वस्तु के मूल्य को गिरने से रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया उत्पादन के हितों की सुरक्षा से जुड़ी रहती है। क्या होता है कि किसी वस्तु के अति उत्पादन की स्थिति में जब क्या होता है, बाजार में वस्तु के मूल्य क्या होते हैं, एक न्यूनतम स्तर से नीचे मिला। कि जैसे किसी बाजार में किसी वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 100 रुपये से भी नीचे अगर किसी वस्तु का मूल्य गिरने से, या तो न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने को रोकने रोकने से, अगर हम किसी वस्तु के अतिरिक्त भंडार को भी देशों में क्या करते हैं कि बहुत कम मूल्य पर बेचा जाना, ही क्या कहता है, डंपिंग कहता है। किसी वस्तु का मूल्य जब क्या होता है कि एक न्यूनतम मूल्य से क्या होता है, नीचे गिर जाता है, तो इसे इसे क्या कहते हैं, बहुत विदेशों में फॉरेन कंट्री होती है जो विकासशील देश है, उसमें क्या किया जाता है कि बहुत कम मूल्य पर बेचा जाना, ही क्या कहता है, डंपिंग कहता है। यहाँ तक कि कई बार आदि से सरप्लस उत्पादन को नष्ट कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो उत्पादन होता है उसे नष्ट किया जाता है। डंपिंग के द्वारा अतिरिक्त उत्पादन को बाजार से दूर करके वस्तु के मूल्य को गिरने से रोका जाता है। डंपिंग के द्वारा क्या होता है कि जो अतिरिक्त उत्पादन को क्या होता है उसको बाजार से क्या किया जाता है, दूर किया जाता है विदेशों में बेचकर, जिससे क्या होता है कि वस्तु के मूल्य को गिरने से रोका जाता है। अक्सर यह प्रक्रिया उत्पादन के हितों की सुरक्षा से जुड़ी हुई प्रक्रिया क्या होता है, उत्पादन हितों की सुरक्षा से जुड़ी रहती है। जो विश्व के विकसित देश अपने अति उत्पादन को विकासशील देशों में डंपिंग करते रहे हैं, विश्व के जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो उसका यहाँ एक्स्ट्रा उत्पादन होता है तो उसके क्या करते हैं, विकासशील देशों में डंपिंग करते रहे हैं। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए पहले भारत में उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करके करने के लिए वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया जाता था। क्या होता था कि स्थिति कम जब विश्व के जो विकसित देश थे वो अपने अति उत्पादन को क्या करते थे, विकासशील भारत जैसे विकासशील देशों में क्या करते थे, डंपिंग करते रहते थे। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए पहले भारत क्या करता था, उत्पादनों को क्या करता था, प्रोटेक्शन या संरक्षण करने के लिए वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हद तक प्रतिबंध लगाया जाता था। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना पड़ा। विश्व या WTO का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत क्या करना, भारत जैसे विकासशील देशों को क्या करना पड़ा, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना पड़ा एवं आयात शुल्कों में भी बड़ी कटौती करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में डंपिंग की समस्या के उपचार के लिए भारत सरकार को कुछ उपाय उठाए हैं। इसके तहत डायरेक्टरेट ऑफ एंटी डंपिंग नामक संस्था वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित की गई है। पुनः विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार डंपिंग से प्रभावित होने वाला देश जो प्रभावित हो गया डंपिंग से प्रभावित देश क्या कर सकता है कि प्रभावी उपचार मानक अपना सकता है। भारत ने प्रावधान का लाभ उठाया एवं एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से अपने उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने की नीति अपनाई है। इसी प्रकार विकसित देशों द्वारा कृषि पदार्थों की डंपिंग समस्या के समाधान हेतु भारत ने क्या किया कि अपने कृषकों को सब्सिडी दे रहा है ताकि वो क्या कर सके, उत्पादन बढ़ा सके। जो विकसित देशों के कृषि पदार्थों की डंपिंग जो समस्या है उसके समाधान हेतु भारत ने क्या किया कि अपने जो कृषक थे उसे सब्सिडी दे रहा है, जिससे क्या कर सकता है कि जो कृषक है वो सब्सिडी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया, ये वीडियो हो गया डंपिंग से संबंधित हो गया ये वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।